दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं प्रवीण कुमार। चुनाव आयोग ने एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की है कोरोना काल में चुनाव कराने को लेके। आने वाले वक्त में पूरे देश में कहीं उपचुनाव होने हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसको लेके एक गाइडलाइन तैयार की गई है। तो आइए, कुछ प्रमुख बिंदु हैं चुनाव कराने को लेकर, चुनाव आयोग ने जो बातें कही हैं उसकी बात करते हैं। इसमें जो चीज़ें कही गई हैं उसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पहली बात यह है कि आयोग ने कोरोना के चलते उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने की सुविधा दे दी है। हालांकि इसका प्रिंट निकालकर उम्मीदवार को चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा। इसके अलावा चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी कमरे, हॉल या परिसर में थर्मल स्कैनर होना जरूरी होगा। थर्मल स्कैनर हर बूथ पर होंगे और एंट्री पॉइंट पर हर किसी की स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा हर बूथ पर 1500 के बजाय 1000 मतदाताओं को बुलाया जाएगा। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा पाया गया तो वो जो आखिरी घंटे में, चुनाव के आखिरी घंटे में उनको वोट डालने का मौका दिया जाएगा। तो आइए कुछ सवालों के जरिए हम इसकी पूरी गाइडलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है नॉमिनेशन की प्रोसेस इस बार कैसी होगी। तो नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन मुहैया कराए जाएंगे, उम्मीदवार इसे ऑनलाइन ही भर सकेंगे। उसका प्रिंट उन्हें चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा। हलफनामा भी ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है, उसका प्रिंट अपने पास रखा जा सकता है। नोटराइजेशन के बाद उसे नॉमिनेशन के साथ चुनाव अधिकारी को सौंपा जा सकता है। उसके बाद उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, कैश देने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। नॉमिनेशन फॉर्म सौंपने के समय उम्मीदवार के साथ दो से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। पूरी भीड़ भाड़ जो होती है, कार्यकर्ताओं की भीड़, नेताओं की भीड़, वो भीड़ भाड़ की गुंजाइश खत्म कर दी गई है और उन्हें दो से ज्यादा गाड़ियां ले जाने की इजाजत भी नहीं होगी। नॉमिनेशन फॉर्म लेने, उसकी स्क्रूटनी करने और चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया जहां पूरी हो वहां पर्याप्त जगह की व्यवस्था होनी चाहिए और उम्मीदवारों को अलग अलग वक्त पर बुलाया जाए। उम्मीदवारों के लिए वेटिंग एरिया भी बड़ा होना चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। दूसरा पॉइंट है पोलिंग बूथ पर वोटिंग कैसे होगी। तो चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाया जाएगा। वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा और हर पोलिंग स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर मुहैया कराया जाएगा। बूथ के अंदर भी सैनिटाइजर रखे जाएंगे। जो मतदाता मास्क लगाकर नहीं आएंगे उनके लिए बूथ पर मास्क की व्यवस्था होगी। उनको रिजर्व में मास्क रखा जाएगा और वो मास्क उनको मुहैया कराई जाएगी। हर बूथ के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनर लगाने की भी व्यवस्था होगी और हर वोटर की एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल चेकिंग होगी और उसी के दौरान जो जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनको चुनाव का जो टाइम होता है आखिरी 2 घंटे में उनको मौका दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है वोट डालते समय टेम्परेचर ज़्यादा निकला तो क्या होगा। अगर किसी वोटर का पहली रीडिंग में टेम्परेचर तय पैमानों से ऊपर आता है तो दोबारा उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, मतलब वोट देने से मना नहीं कर सकते हैं आप। और दूसरी बार भी वह ज्यादा निकले तो वोटर को एक टोकन या सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसे वोटिंग के आखिरी घंटे में बुला के उसको वोटिंग का मौका दिया जाएगा जब भीड़ भाड़ कम हो जाएगी थोड़ी सी और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसलिए टोकन देने के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाए जाने का प्रावधान चुनाव आयोग ने किया है। चौथा पॉइंट है अगर कोरोना पॉजिटिव है तो क्या वो वोट दे सकेंगे। क्वारंटाइन किए गए कोरोना के मरीज भी वोटिंग के आखिरी घंटे में स्वास्थ्य कर्मचारियों की देखरेख में वोट डालने जा सकेंगे, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। कोरोना मरीजों के वोटिंग की प्रक्रिया को संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेट करेंगे। जो वोटर कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं वे वोट देने कैसे पहुंचेंगे इसके लिए अलग से गाइडलाइन चुनाव आयोग जारी करेगी। कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संदिग्ध या क्वारंटाइन किए गए लोग जो होंगे उनको पोस्टल बैलेट से भी वोट डालने की फैसिलिटी, सुविधा दी जाएगी। पांचवा पॉइंट है कि पोलिंग बूथ पर और क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो
इसके जवाब में ये कहा गया है कि वोटरों को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, वोटरों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज यानी 6-6 फीट की दूरी पर 15 से 20 सर्कल बनाए जाएंगे। जैसे आजकल देखते होंगे दुकान पर भी जाते होंगे तो सर्कल बना हुआ है, तो अगर ज्यादा भीड़ हो गई तो सर्कल में खड़े हो जाएंगे, तो उसी तरह से 6-6 फीट की दूरी पर सर्कल बनाए जाएंगे। और वोटरों के लिए 3 कतारें होंगी, पहली पुरुषों के लिए होगी, दूसरी महिलाओं के लिए होंगी और तीसरी दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए होगी। पहचान के लिए जरूरी हुआ तो वोटर से मास्क नीचे करने को कहा जा सकता है। हर चुनाव अफसर के सामने एक बार में सिर्फ एक मतदाता ही जा सकेगा। हर मतदाता को रजिस्टर पर साइन करने और ईवीएम का बटन दबाने के लिए ग्लव्स भी दिए जाएंगे। जहां भी संभव हो वहां बूथ ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा और पोलिंग बूथ पर कोरोना अवेयरनेस के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। कुर्सियों और दरी के साथ एक शेड में पुरुषों और महिलाओं के लिए वेटिंग एरिया बनाने का भी प्रावधान प्रस्ताव चुनाव आयोग ने रखा है। हर चुनाव अधिकारी को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे। छठा सवाल यह है कि पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कौन लोग कर सकेंगे, कौन किस तरह के मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। तो इसमें इसका जवाब चुनाव आयोग के मुताबिक जो है, दिव्यांग, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जरूरी सेवाओं में जो शामिल लोग हैं, जो जरूरी सेवाएं छोड़ के वोट देने नहीं आ सकते हैं उनके लिए, और कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संदिग्ध, घर या बाहर क्वारंटाइन किए गए लोग, इन लोगों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने की सुविधा दी जाएगी। चुनाव प्रचार कैसे होगा? तो इसके जवाब में चुनाव आयोग का कहना है कि उम्मीदवार घर घर प्रचार करने के लिए अपने साथ सुरक्षा कर्मियों के अलावा 5 से ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकेंगे। मतलब घर घर चुनाव प्रचार आप कर सकते हैं लेकिन वो एक सीमित दायरे में होगा। रोड शो के दौरान काफिले के एक हिस्से में 5 गाड़ियां ही जा सकेंगी। लंबे लंबे जो काफिले लगते थे 10-10, 50-50 गाड़ियों के, वो नहीं होगा। 5 गाड़ी से ज्यादा नहीं आप काफिले में रखेंगे। हालांकि ये कितना फुलफिल होगा उस वक्त देखा जाएगा। आधे घंटे बाद 5 गाड़ियों का दूसरा काफिला निकाला जा सकता है। उसके बाद है, पहले 10-10 गाड़ियों के 2 काफिलों के बीच 100 मीटर की दूरी रखने का नियम था। कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की स्थिति में ही चुनावी सभा कराई जा सकेगी। चुनावी सभा की जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाए जाएंगे। वही सर्कल वाला हिसाब यहां भी है। राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से तय संख्या से ज्यादा लोग रैली में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब बात आती है कि वोटों की गिनती कैसे होगी। तो वोटों की गिनती कैसे होगी, इसके जवाब में चुनाव आयोग का कहना है कि काउंटिंग हॉल में 7 से ज्यादा काउंटिंग टेबल की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे में रिटर्निंग अफसर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पड़े वोटों की गिनती 3-4 हॉल में करवा सकते हैं। कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को काउंटिंग टेबल पर रखने से पहले सैनिटाइज किया जाना जरूरी होगा। वीवीपैट से सील हटाने का काम कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट दिखाने का काम एक टेबल पर एक अधिकारी करेगा। कंट्रोल यूनिट पर दिखाया जाने वाला रिजल्ट बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सकता है ताकि काउंटिंग हॉल में बड़ी संख्या में काउंटिंग एजेंट जमा ना हो सकें। काउंटिंग के पहले, काउंटिंग के दौरान और काउंटिंग के बाद भी हॉल को डिसइन्फेक्ट किया जाएगा और पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होगी, उसकी भी व्यवस्था चुनाव आयोग करेगी। और चुनाव की जो जनरल गाइडलाइन जो जारी हुई है उसमें कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल हर व्यक्ति को, हर शख्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनाव के मकसद से इस्तेमाल होने वाले कमरों, परिसरों में हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जहां सैनिटाइजर, साबुन, पानी मुहैया कराना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। इसके लिए बड़े हॉल की पहचान कर लेनी चाहिए। चुनाव ड्यूटी में शामिल किसी भी कर्मचारी को कोरोना होता है तो उसके बदले में ड्यूटी संभालने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक बैकलॉग स्टाफ का जो है व्यवस्था पहले से करना होगा, रखना होगा।
चुनाव सामग्री देने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया भी बड़े हॉल में होनी चाहिए। पहली और दूसरी ईवीएम से जुड़ा हर काम बड़े हॉल में होना चाहिए। सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे। ईवीएम वीवीपैट से संभालने वाले हर अफसर को ग्लव्स मुहैया कराया जाएगा। सवाल फिर वही उठता है कि बिहार में कोरोना का जबरदस्त कहर बरपा हुआ है, बाढ़ का कहर बरपा हुआ है, तो क्या इतने कम समय में, अगस्त का महीना अंतिम चरण में है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने का वक्त बचा है, तो क्या 2 महीने के वक्त में इतनी तैयारी संभव है क्या?